नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सुथार स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड्स के बारे में बात करेंगे, भी जिनकी शॉर्टकट कमांड tally.erp9 सॉफ्टवेयर में तो अलग थी और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद में उनकी शॉर्टकट कमांड का नाम है जो अलग कर दिया गया। तो क्या है वो दोनों शॉर्टकट कमांड, तो आज की इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर टेलीविजी फैटैक्स मार्ग और अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो आप इस फेसबुक पेज को भी आप लाइक और फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो शॉर्टकट जो कमांड थी वो है डेबिट नोट वाउचर्स की और क्रेडिट नोट वाउचर की। तो दोस्तों, आप देख सकते हो भी सबसे पहले जब हम tally.erp9 सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स को अगर यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हमें F11 में जाके और अकाउंटिंग फीचर्स में जाके और इन डेबिट क्रेडिट नोट ऑप्शन को इनेबल करना होता है। अगर इन्हें हम यस करेंगे तो ही हमारे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जो वाउचर है वो हमें यहाँ पर शो होंगे हमारे अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करते वक्त। तो आप इन्हें देख सकते हो, यहाँ पर क्रेडिट नोट और ये डेबिट नोट। तो दोस्तों, ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमें यहाँ पर तब भी शो होंगे जब हम F11 में जाके अकाउंटिंग फीचर्स में जाके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इनेबल करेंगे, यानी कि यस करेंगे। तो और इनकी जो शॉर्टकट कमांड है क्रेडिट नोट की tally.erp9 में, वो तो है Ctrl F8 और डेबिट नोट की है Ctrl F9। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं जैसे हम यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl F8 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएगा। और सेम अगर यही हम डेबिट नोट के लिए Ctrl F9 यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर आ गया। और इन्हीं दो शॉर्टकट कमांड्स को टैली प्राइम में जो चेंजिंग करी है वो यही है कि टैली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर्स को इनेबल करने की ज़रूरत ही नहीं है। टैली प्राइम में ये दोनों जो कमांड्स है, ये दोनों वाउचर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ही रहेंगे, यानी कि यस ही रहेंगे। तो हम जैसे वाउचर्स पे जाके हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब हमें यहाँ पे इस लाइन में कोई भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर शो नहीं हो रहा। हाँ, F4, F5, F6, F7, F8, 9 अप है, ये जो नॉर्मल कमांड्स थी सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा और जनरल वाउचर की, तो ये भी tally.erp9 में भी वही कमांड है शॉर्टकट उसकी और टैली प्राइम में भी वही है। लेकिन दो चेंजिंग हुआ है वो ओनली डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर में ही चेंजिंग हुआ है। तो दोस्तों, अगर हमें क्रेडिट नोट या डेबिट नोट वाउचर्स के कमांड हमें लगानी पड़े तो इसके लिए हम अदर्स वाउचर पे क्लिक करेंगे और अदर्स वाउचर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। और इनकी जो शॉर्टकट कमांड आप देख सकते हो, क्रेडिट नोट की जो शॉर्टकट कमांड अब चेंज जो करी है वो Alt F6 और डेबिट नोट के लिए Alt F5। तो दोस्तों, अगर आप tally.erp9 में Ctrl F8 और Ctrl F9 की अगर आपकी हैबिट थी तो वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्रेडिट नोट के लिए Alt F6 का यूज़ करेंगे और डेबिट नोट के लिए Alt F5 का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं और Alt F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट रहेगा और Alt F6 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्रेडिट नोट वाउचर आ गया। और उसके बाद में अगर हमें मोड चेंज करना हो, यानी कि ये तो पर्टिकुलर वाउचर मोड में क्रेडिट नोट ओपन है, अगर हमें इसे इनवॉइस मोड में क्रेडिट नोट को ओपन करना पड़े तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे चेंज मोड पे तो आप देख सकते हो हमारे सामने कई ऑप्शन आएंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एज ए वाउचर या यूज ए फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यानी कि हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को इन चार फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें आइटम वाइज के लिए यूज़ करना हो तो हम आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो ये इनवॉइस का फॉर्मेट है, जैसे सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस का फॉर्मेट होता है उस तरीके से ओपन हो जाएगा। और ये ऑप्शन टैली प्राइम में हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे।
आइटम इनवॉइस या एज ए वाउचर। जैसे हम इस पर क्लिक करते थे तो यहाँ से हम वाइट वेल चेंज हो जाता था ये वाउचर मोड पे। अगर हमें अकाउंटिंग मोड पे लेना हो, इनवॉइस मोड पे लेना हो, तो ये सब कुछ हम यहीं से ही चेंज कर सकते थे। और टेली प्राइम में आने के बाद इस ऑप्शन को यहाँ से चेंज मोड पे जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। और जैसे हम इसके लिए एल्ट बटन का यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे साइड में जो ऑप्शन है यहाँ से ये जो बाई डिफ़ॉल्ट ये कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जर्नल सेल परचेज ये ऑप्शन आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक है जो हाइड हो जाएंगे। और उसकी जगह जो एल्ट के साथ जो शॉर्टकट कमांड यूज होनी है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि डेबिट नोट आ गया। अगर हमें डेबिट नोट चाहिए तो हम एल्ट एफ फाइव बटन प्रेस करेंगे, तो एल्ट एफ फाइव, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डेबिट नोट आ गया। अगर डेबिट नोट का भी मोड हमें चेंज करना पड़े, हमें वाउचर मोड पे इसकी एंट्री करनी है, तो हम वापस जाएंगे इस चेंज मोड पे। और आप देख सकते हो इस चेंज मोड की जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल के साथ एच, यानी कि जिस ऑप्शन के नीचे यहाँ पे डबल लाइन रहेगी वो कंट्रोल के साथ काम करेगी, और जहाँ पे सिंगल लाइन रहेगी वो एल्ट के साथ काम करती है टेली में उसकी जो शॉर्टकट कमांड। हम चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो चेंज मोड के लिए कौन सा चाहिए हमें, एज ए वाउचर चाहिए, तो वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वाउचर मोड पे ये डेबिट नोट ओपन हो गया। और इस पर हम क्लिक करेंगे यूज ए इंटरेस्ट काउंटिंग, तो हमें इंटरेस्ट अगर किसी पार्टी का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उसके खाते में डेबिट करना हो तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर इंटरेस्ट काउंटिंग। ये इंटरेस्ट काउंटिंग कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए पर्टिकुलर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जब इंटरेस्ट से संबंधित हमारा जो सीरीज है टेली प्राइम की जो चल रही है जब इंटरेस्ट पे आएंगे तो इसके लिए इस ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल रूप से। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा भी हम tally.erp9 सॉफ्टवेयर में और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इन दो वाउचर्स की जो कमांड है इनको चेंजिंग किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।